चलो ठीक है, तो थोड़ा वो कंप्यूटर ख़राब हो गया तो मैं डिस्कनेक्ट कर दिया, मैं भूल गया कि यहाँ से वो कनेक्शन था, मैं काफ़ी देर सोची जा रहा हूँ कि डिस्कनेक्ट के, चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ से चल जाएगा, बैकअप है मेरे पास इसका शीट का। तो हमने ये डिस्कस किया कि अभी ना अगर हाइट अगर 400 किलोमीटर पे अगर हम ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो कैसे चेंज होती है। तो मेरे माइंड में अब हाइट को लेके दो फॉर्मूलाज हैं, पहला फॉर्मूला मैं शॉर्टकट लगा दूँ, दूसरा फॉर्मूला मैं एक्चुअल मेथड यूज़ करूँ जो मैंने कहा था वो लंबा तरीका है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाइट्स हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर कम हाइट है तो ये चल जाएगा। अब आप क्या मानते हैं हाइट 400 किलोमीटर कितना है? थोड़ा है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ इटसेल्फ ही 6400 किलोमीटर है। अर्थ बहुत बड़ी है, 6400 किलोमीटर की रेडियस की अर्थ है, 400 किलोमीटर ऊपर जाना उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने अगर शॉर्टकट यूज किया, एच को 400, रेडियस 6400, जी 9.8, तो मेरे पास आंसर 8.5 आता है। चलो कई लोगों को लगा कि 400 किलोमीटर बहुत ज्यादा हाइट है, तो मत लगाएं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा लगा लें। दूसरे में जब वैल्यू पुट की हाइट की जगह 400, सॉल्व करके बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, 8.6। आपकी मर्जी है, ये फॉर्मूला कभी गलत आंसर नहीं देगा, ये जल्दी आंसर देगा बट अप्रोक्सीमेट देगा। फर्क समझ में आ रहा है? लेकिन ये याद रहे, अगर हाइट कल को 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर है फिर तो बिल्कुल भी मत लगाना ये, फिर यही लगाना, ठीक। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख के डिसाइड करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। जैसे फाइंड हाइट h, ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, ताकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाए, 64% रह जाए g के साथ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने परसेंट हो जाए, 64% रह जाए। बोलो 64% ज्यादा कि कम, कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है कि ठीक होता है कि कम होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा ही होता है। आप घर में बोल के देखोगे आपके मैथ्स या फिजिक्स में 100 में से 64 नंबर आए हैं, 64 पता लगेगा कि कितने को होते हैं, ठीक। तो यानी कि कम होते हैं, मतलब काफी कम नंबर कटा के आए हो, काफी कब जो है सॉरी काफी ज्यादा नंबर कटा के आए हो, 64 मतलब 100 के मुकाबले ज्यादा कम हो गए, तो 64% वैल्यू रह जाना, तो काफी ज्यादा हाइट अटेन कर चुके हो, इसका मतलब ये है। तो आप प्लीज शॉर्टकट मत लगाना, क्योंकि 64% बहुत ज्यादा वैल्यू जो हो चुकी है, तो इसका मतलब कि आप शॉर्टकट आंसर नहीं देगा, तो आप एक्चुअल मेथड ही लगाएं। तो जी डैश कितना करें, 64% ऑफ जी, जी से जी क्या हो गया, कैंसल, तो अंडर रूट लेंगे तो 8/10 आएगा, सॉल्व करेंगे तो एच और आर का रिलेशन आएगा, एच इज आर बाय 4, आर कितना है 6400, तो यहां पर हाइट कितनी आएगी 1600 किलोमीटर, तो यानी कि 1600 किलोमीटर आप ऊपर जा चुके हो, जो कि कम हाइट नहीं होती, काफी ज्यादा हाइट होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे क्वेश्चन है कि इफ अ वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस इज 250, अर्थ की सरफेस के ऊपर वेट 250 है, बताओ अगर आप डेप्थ में जाते हो, अर्थ के अंदर चले जाते हो, कितना अंदर, आर बाई 2, तो वहां वेट कितना हो जाएगा। अर्थ के इनसाइड डेप्थ पे ये फॉर्मूला लगेगा, एक्चुअल वेट mg कितना है 250, नया वेट निकालने के लिए m से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करें, तो नया वेट पुराना एक्चुअल वेट इनटू दिस टर्म, एक्चुअल वेट कितना है 250, x कितना है इसमें r बाय 2, तो ये हाफ बच गया, सॉल्व किया तो आंसर आएगा 125 न्यूटन। तो आप डेप्थ पे जाएंगे तो वेट 250 की बजाय 125 न्यूटन हो जाएगा। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक? ठीक ठीक है। क्वेश्चन है एट डेप्थ 16 किलोमीटर, तो इसमें फॉर्मूला डेप्थ का लगेगा, 16 किलोमीटर नीचे गए, फाइंड परसेंटेज चेंज इन वेट ऑफ द बॉडी। एक बात बताओ, पहले वेट कितना है mg, अब वेट कितना है mg डैश, तो ये क्या आ गया, चेंज इन वेट, क्योंकि डेप्थ पे जाने पे आपका वेट कम हो जाएगा, तो चेंज इन वेट अपॉन एक्चुअल वेट कितना है mg, तो ये क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन वेट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दिस इज परसेंटेज चेंज इन वेट, यही मुझे निकालना है। तो वो यही कह रहा है कि 16 किलोमीटर डेप्थ पे जाके आपको परसेंटेज चेंज इन वेट निकालना है, ये रहो एक्चुअल वेट, नया वेट और एक्चुअल वेट, तो एम 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 कैंसिल, तो ये टर्म आ गई, जी अपॉन जी क्या होता है 1, क्या बचा जी डैश बाय जी। अब मुझे पता है डेप्थ पे फॉर्मूला ये लगता है जी डैश का, तो इसमें एक्स कितना है 16, आर कितना है 6400, तो यहां से सॉल्व करके जी डैश बाई जी की वैल्यू आ गई।
तो यहां पर रिक्वायर्ड क्या है, जी डैश बाई जी की वैल्यू। तो ये पूरी जी डैश बाई जी की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पर नीचे पुट करें, तो ये मैंने वैल्यू को पुट कर दिया यहां पर, ये देखो सॉल्व करके क्या आंसर आ गया, परसेंटेज चेंज इन वेट आ गया। मेथड समझ में आया कि डेप्थ के साथ आंसर या ये फॉर्मूलाज कैसे काम कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन इज कि सपोज अर्थ और मून दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके सेंटर्स में डिस्टेंस आपको गिवन है आर, 3.8 इंटू 10 की पावर 8। आपको बताना है कि इनके इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट है अर्थ और मून के कहीं पर इस लाइन पे, जहां पर नेट फोर्स इस मास के ऊपर क्या हो जाए, जीरो। अब मुझे एक चीज बताओ, जितनी आप अर्थ के पास होंगे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा मून का कम होगा, आप मून की तरफ जाना शुरू कर दो अर्थ का पुल कम होता जाएगा मून का बढ़ता जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब जितनी फोर्स से आपको मून खींच रहा है उतनी फोर्स से अर्थ खींचेगा, तो उस पॉइंट पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो आपको वही पॉइंट ढूंढना है। मान लो वो अर्थ से एक्स दूरी पे वो पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाती है, तो मून से वो डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, आर माइनस एक्स। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है। तो ये अगर एक्स है तो आर माइनस एक्स, मान लो ऑब्जेक्ट का मास एम है। अब इस ऑब्जेक्ट को अर्थ, मास ऑफ अर्थ एम ई, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अर्थ अट्रैक्ट करेगी बाय अ फोर्स ऑफ व्हाट, जी मास ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट का मास अपॉन एक्स का स्क्वायर। और ऐसे ही कैपिटल एम इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मून भी अट्रैक्ट करेगा, कितनी फोर्स से, जी मास ऑफ मून कर लेना यहां पर, मास ऑफ मून इनटू ऑब्जेक्ट का मास एम बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक फोर्स हमने किसकी निकाली, अर्थ की, एक फोर्स हमने किसकी निकाली, मून की। अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रहा है, मून अपनी तरफ खींच रहा है, और हम चाहते हैं नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। ऐसा करने के लिए अर्थ और मून की फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं, जी से जी कैंसिल, एम से एम कैंसिल। आपको इस क्वेश्चन में मास ऑफ मून और अर्थ दोनों गिवन होंगे, मैंने दिए नहीं वैसे, गिवन होंगे, पुट करके आपको सिर्फ एक्स निकालना है, एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। बस कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लंबा होगा, कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ रहा है कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक बोलो। सेंटर से लेते हैं सारे, सेंटर से, डिस्टेंस सेंटर से, सारा सेंटर ऑफ मास से नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस ही सेंटर से है, सीधा करने की जरूरत ही नहीं है, इंक्लूडेड 6400 इज इंक्लूडेड। आइको क्लियर है यहां तक? तो कैसे नेट फोर्स जीरो करनी है समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन है टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कैपिटल एम, ठीक है, टोटल मास कैपिटल एम है, उसको डिवाइड करना है हमने दो हिस्से में, उसको डिवाइड करना है हमने दो हिस्सों में, और हमें यह बताना है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम की रेशियो क्या हो ताकि फोर दो हिस्सों में क्या आए, मैक्सिमम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास एक मास है 10 kg का, या 10 kg का चलो, और मेरे को दो हिस्सों में से तोड़ना है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर ताकि उन हिस्सों में फोर्स मैक्सिमम लगे। तो किसी स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि आप इसको 1 kg और 9 kg में ब्रेक कर लो सेपरेटेड बाय आर, किसी ने कहा आप इसे 2 kg और 8 kg में ब्रेक कर लो, कोई कहता है 3 kg और 7 kg में ब्रेक कर लो, कोई कहता है 4 kg और 6 kg में ब्रेक कर लो, कोई कहता है 5 kg और 5 kg में ब्रेक कर लो, कोई कहता है 6 kg और 4 kg। मैं कह रहा हूँ ये केस क्यों लिखवा रहा है, हो चुका है ये वाला कहाँ गया, 6 और 4, इसके बाद लिखने का फायदा ही नहीं है, सारे केस कवर हो गए। तो इसमें जो फोर्स होगी वो क्या होगी, जी एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर, इसमें फोर्स क्या होगी, जी एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर, ऐसे करते करते इसमें क्या होगी, जी एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर, इसमें क्या होगी, जी एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या होगी, जी एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। बताओ किसमें फोर्स सबसे ज्यादा आएगी लास्ट में, क्यों, इसका प्रोडक्ट 9, इसका 16, 21, 24 और 25। तो एक तो रूल बन गया कि आप मास को इक्वल हिस्सों में तोड़ेंगे ताकि फोर्स क्या आए, मैक्सिमम। यानी कि अगर आपके पास कैपिटल एम मास है, इसका छोटा टुकड़ा स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम शुड बी इक्वल टू
एम बाई टू ताकि फोर्स मैक्सिमम आए, तो बोलो स्मॉल एम और कैपिटल एम की रेशियो क्या आएगी, 1/2, आंसर इज 1/2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, यहां तक क्लियर है? ये एक सिंपल कॉमन सेंस से मेथड है, मैथ्स वाले लोग ऐसे कर, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। मैथ्स वाले लोग थोड़ा कैलकुलस लगाते हैं, वो कहते हैं चलो मान लो हमने कैपिटल एम को ब्रेक किया दो हिस्से में, एक छोटा एम और एक एम माइनस एम, तो इनमें फोर्स क्या बनेगी, जी छोटा एम इंटू एम माइनस एम बाई आर स्क्वायर। आप फोर्स को क्या करना चाहते हो, मैक्सिमम, किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो तो मैथ्स का क्या तरीका है, इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट और इक्वल टू जीरो, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, जो वेरिएबल है, इसमें स्मॉल एम वेरिएबल है वो हमें मालूम नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम, तो कैपिटल एफ की वैल्यू को पुट किया, जी कॉन्स्टेंट बाहर आया, आर बाहर आ गया जो कि जीरो से कट जाएगा, इसको मैंने ओपन कर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, कैपिटल एम कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 और इसकी डिफरेंशिएशन 2m, सॉल्व करेंगे तो रेशियो वही आएगी। पर मुझे लगता है कि मेथड नंबर 1 ज्यादा बेटर, इजी मेथड है, पर फिर भी मैंने किताबी मेथड बता दिया कि बुक्स ऐसे भी करती हैं, बुरा नहीं है, ठीक है, कैलकुलस बेस्ड मेथड है, क्या दिक्कत है, मैक्सिमम मिनिमम यूज कर रहा है इसमें। ठीक, क्वेश्चन है कि टू मासेस, दो मासेस हैं, एक स्मॉल m है और दूसरा मास स्मॉल m है, दो मासेस हैं और दोनों के दोनों सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है, दो मासेस हैं और दोनों सर्कल में घूम रहे हैं और सेंटर इनका C है। तो आपको ये बताना है कि अगर ये सर्कल में घूम रहे हैं तो इस इन जो ये जो मासेस हैं जो सर्कल में घूम रहे हैं इनकी वेलोसिटी v क्या होगी, ये क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी v। देखो तो दो मासेस अगर सर्कल में घूम रहे हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2r, तो हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया कि जब दो मासेस सर्कल में घूमते हैं तो घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स, तो इसको स्मॉल m अट्रैक्ट करेगा, इसको स्मॉल m अट्रैक्ट करेगा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो इसको जो अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगी तो वो फोर्स कहां एक्ट करेगी, टुवर्ड सेंटर, और यही एक्ट करेगी इसके लिए सेंट्रीपेटल, तो इनमें फोर्स कितनी एक्ट करेगी, ये दोनों कितने डिस्टेंस सेपरेटेड है बाय 2r, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर, तो ये फोर्स की वैल्यू है जो इनके बीच में एक्ट करेगी। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई इसमें, तो कोई भी एक पार्टिकल चूज कर लो, क्योंकि जो इक्वेशन इसके लिए बनेगी वही इक्वेशन इसके लिए बनेगी, तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये फोर्स इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपेटल, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग इन अ सर्कल, तो F जो फोर्स हमने निकाली GMM by 4R का स्क्वायर, ये एक्ट कर रही है लाइक अ सेंट्रीपेटल, और सेंट्रीपेटल फोर्स यहां पर क्या होगी, MV square by R, तो M से M cancel, R से R cancel, तो सॉल्व करके V can be calculated, तो ये याद रहे जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकलती है तो एक्चुअल डिस्टेंस लेना पड़ेगा 2R, और जब सेंट्रीपेटल फोर्स लगानी हो तो रेडियस लेना पड़ता है R, एक में 2R एक में R। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो यहां से वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंस इन वेट्स ऑफ टू मासेस m, दो मासेस हैं m एंड m, उनको अगर मैं इस तरीके से तोलता हूं, एक यहां m एक यहां m, तो वो बराबर डिस्टेंस पे होंगे, ना ऊपर ना नीचे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो डिफरेंट हाइट्स पे आ गए, मतलब एक नीचे आ गया और एक ऊपर रह गया, और दोनों के बीच में हाइट है H. पहली बात तो ऐसा हुआ क्यों, और ऊपर से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि दोनों वेट्स, इन दोनों मासेस का जो वेट होगा mg का डिफरेंस, वो निकाल लो अर्थ की डेंसिटी की फॉर्म में। पहली बात तो वेट में डिफरेंस होगा, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक का मास m है एक का m है, तो mg बैलेंस करेंगे। इस क्वेश्चन में इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने बैलेंस कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिया, अब कई हजार किलोमीटर या कई सौ किलोमीटर की सॉरी स्ट्रिंग ली, अर्थ की सरफेस के ऊपर लटका दिया, एक मास यहां एक यहां, एक की हाइट यहां पर h1 एक की हाइट यहां पर h2, ऐसा करने से क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गई, कि ये हाइट h1 है यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1, ये h2 है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g2, हालांकि मास सेम है पर वेट में डिफरेंस आ गया,
तो ये वेट एम जी टू माइनस एम जी वन, तो ये आपको निकालना है। क्या लॉजिक समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब ये है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें वेट का डिफरेंस, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, हाइट का रिजल्ट लगाओ, g इंटू वन माइनस टू एच टू बाई आर, यहां पर क्या होगी g इंटू वन माइनस टू एच वन बाई आर, यहां से कॉमन निकालो mg, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, वन कैंसल हो गया, एच वन पॉजिटिव है एच टू नेगेटिव है, तो कॉमन आ गया यहां से टू बाई आर एच वन माइनस एच टू, और क्वेश्चन में गिवन है कि H1 माइनस H2 की वैल्यू क्या लेनी है, H, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया H। यहां तक क्लियर है? वैसे तो यहां तक आंसर आ गया, पर उसने हमें कहा कि डेंसिटी ऑफ अर्थ की फॉर्म में निकालो। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है? तो एक काम करेंगे, आज के लेक्चर में स्मॉल g को मैंने लिखना सिखाया था, स्मॉल g को क्या लिखेंगे, g कैपिटल m बाय r स्क्वायर, और स्पेशली कहा था स्मॉल जी के अंदर मास किसका यूज करेंगे, यहां पर प्लैनेट का, और यहां पर प्लैनेट कौन है, और रेडियस भी प्लैनेट का पुट किया। अब मास ऑफ अर्थ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी, तो यहां से कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसल, आंसर। पॉइंट समझ में आया, लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कि जी चेंज होने से वेट की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है यहां तक? क्वेश्चन है, सन के आसपास एक प्लैनेट या कोई भी प्लैनेट है वो रोटेट या रिवॉल्व कर रहा है, मास m है, हमने रोटेशनल मोशन में किया था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जिसमें ये सिखाया था कि जब भी प्लैनेट घूमता है उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, और क्योंकि ये प्लैनेट इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट मास, तो हम बोल सकते हैं एम वी आर और एम वी आर की वैल्यू यहां पर एग्जैक्टली सेम है, किया था हमने। तो क्वेश्चन ये है कि ये जब प्लैनेट दूर होगा सन से तो डिस्टेंस आर मैक्स है, और अगर पास होगा तो आर मिनिमम है, जब डिस्टेंस दूर होगा तो वेलोसिटी मिनिमम है, जब डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो आप पहले रिलेशन निकालो वी मैक्स और वी मिनिमम का, वैसे आपको ओमेगा मैक्स निकालना है इसमें, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, तो इस पॉइंट पर एम इंटू वी मैक्स लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस कितना आर मिनिमम, और यहां पर एम इंटू वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम, इक्वेट कर दें, एम से एम कैंसल, ये आंसर आ गया। कभी कभी न्यूमेरिकल में गिवन होता है आपको वी मिनिमम गिवन होगा, आर मैक्स गिवन होगा, वी मैक्स निकालना होगा, आर मिनिमम, चारों में से तीन टर्म्स गिवन होगी, एक निकालनी होगी, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें वी नहीं पूछा, हमें ओमेगा पूछ लिया, कोई बात नहीं, हमें काम करते हैं इस पॉइंट पर, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए वी कैन पुट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब इस पॉइंट पर r मैक्स है और v मिनिमम है, तो r ओमेगा में r मैक्स है, ओमेगा मिनिमम है, v मैक्स में v इज इक्वल टू r ओमेगा में r मिनिमम है, तो ओमेगा मैक्स है, तो यहां से पुट करो, सॉल्व करो, ओमेगा मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड। वैसे इसका एक सेकेंड मेथड ज्यादा बेटर है, सेकेंड मेथड में वो कहता है कि I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2 ही लगा लो, MVR लगाओ मत, तो यहां P पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का क्या होगा, m इंटू आर मैक्स का स्क्वायर इंटू ओमेगा, यहां पर क्या होगा मिनिमम, क्योंकि r मैक्सिमम है, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या होगा, मैक्सिमम, आंसर एक लाइन में आंसर आता है। मेरी सजेशन ये है, अगर तो आपको v के ऊपर क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी v के ऊपर, फिर तो मेथड 1 लगाओ, MVR constant. अगर क्वेश्चन ओमेगा पे आता है फिर मेथड नंबर 2 लगाओ, I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2, सीधा आंसर। ठीक, ओमेगा निकालो सच दैट इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाए, जीरो। अच्छा बताओ, इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला अभी आज किया था, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा, इक्वेटर पे लैम्डा क्या होता है, जीरो, cos जीरो इज वन, ये इक्वेटर पे आ गया, पर वो कह रहा है इक्वेटर के ऊपर जी क्या लेना है, जीरो, तो ले लो जीरो,
तो यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, जी पता है, आर पता है, आंसर ओमेगा आ जाएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है आता। ठीक फिर, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक को रिवाइज करके आना है। अगली बार जब आओगे तो इसका शॉर्ट टेस्ट है आज के लेक्चर का, 4 क्वेश्चन दूंगा इंक्लूडिंग डेरिवेशंस, तो जो जिन्होंने आज की पहली क्लास लगाई है वो भी इंक्लूडेड है, क्लास लगाओगे तो इंक्लूडेड करना पड़ेगा। तो याद करके आना है सारा, मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, तो आपको ये लिख के भी दिखानी है डेरिवेशंस और क्वेश्चन भी करना है। आज वाला लेक्चर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का आज का लेक्चर नेक्स्ट टाइम, साथ साथ